स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम थोड़ा ऊंची बोल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू बाइक रिपेयरिंग। आपका स्वागत है गुड्डू बाइक रिपेयरिंग। आज मैं स्प्लेंडर खोली, उसके अंदर फॉल्ट आते रहता है। किसी भी गाड़ी में या अलॉय व्हील डम्पर को डलाते हैं तो उसमें फॉल्ट आते हैं। किनारियाँ वगैरह होती है, किनारी लीक करती रहती है बार बार। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये ऐसे लीक करने लगे, किनारे लीक करने लगे। हाँ जी। और इस पर हम खोल के पूरे दिन की सफाई करेंगे। हाँ जी। जैसे दो दिन बाद हवा निकलती, तीन दिन बाद हवा निकलती ना, सब टैर खोल के किनारे साफ करेंगे, जिससे वो बहुत टाइट हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, अभी देखिए दोनों साइड से किनारे लीक है। तो देखो जी, अगर कोई किसी को ये दिक्कत आती है तो साइड में ऐसे करके फिर आप कर सकते हैं। इसमें बबल होती है, कभी पहनने वाले तो खोल के किनारे साफ करा लीजिए। आपकी हवा निकल के एक दिन बाद दो दिन बाद हवा डाउन हो जाती है, इतना आप खड़े खड़े गाड़ी तो टायर खोल के किनारे साफ करा लीजिए आपकी गाड़ी। ये देखिए, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ पर भी क्रैक है, इसलिए यहाँ से हवा। अच्छा, ये रिम जो है, कभी बार मेरे स्कूटी के रिम में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो स्कूटी में और बाइक में दोनों में ये दिक्कत हो सकती है, सेम ही प्रॉब्लम आती है। तो वो कभी बार हमें कहते हैं कि रिम वगैरह आप चेंज कर लो। नहीं नहीं, वो रिम चेंज करने की आपको बस इतना ही काम होता है। हाँ। अच्छा, ये नहीं करती हूं, आपका काम आते है। ठीक है, सफाई करने की जरूरत। ठीक है, तो अगर ये चीज़ करवाना है तो कितने से कितने तक का खर्चा आ जाता है? 100 से 150 का खर्चा आता है। अच्छा। हाँ, बड़े प्यार से काम है। ठीक है, तो आगे बढ़। ठीक है।